हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस 12-15 दिन हो गए हमको कॉलेज से गांव आए, तो होली होली बीत गई है और सब सारा मस्ती वस्ती सब हो गया है। अब खुल रहा है हम लोग का कॉलेज, तो हम लोग जाएंगे अपने प्रयागराज कॉलेज के लिए, अपने रूम पे जाएंगे। तो गाइस आज हम दिखाएंगे कि आपको हमें रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे कैसे हम जाते हैं। इधर देख सकते हैं मेरा सामान पैकिंग चल रहा है अभी, देख सकते हैं इधर सब पूरा हो गया है और ये इधर लैपटॉप मेरा पड़ा हुआ है और मैं हमारी तैयारी हो चुकी है। बस हमारी तैयारी हो चुकी है, बस नहा धो के और रेडी होके जाना है, 11 बजे की ट्रेन है। फिर हम लोग तैयार होके और घर से विदाई लेके एक ऑटो करके अपने स्टेशन साइड चल लेते हैं। विदाई वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि गांव में कोई बोलता वीडियो बनाने जा रहे हो या पढ़ने, उसी पर मूड ख़राब हो जाता, इसलिए हम घर का वीडियो नहीं बनाए हैं, उसके लिए सॉरी। फिर गाइस हम लोग आ जाते हैं अपने मिर्ज़ापुर स्टेशन। यहाँ हम देख सकते हैं थोड़ा काम चल रहा है, अब इसे अच्छे से बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही मैं पीछे की रिकॉर्डिंग करता हूँ, यहाँ पे हमारे दो दोस्त आ चुके होते हैं जिनका पहला नाम सुनील और दूसरा ये दीपक। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर जिस पर हम लोग की ट्रेन आने वाली है और यहाँ पर हम लोग एक अच्छी जगह पर बैठ जाते हैं। ये देख सकते हैं हमारे दोस्त हैं, इसमें कोई UPSC वाला है तो कोई SSC CGL तो कोई SSC GD तो कोई पुलिस वाला है। फिर कुछ टाइम मस्ती करने के बाद हमारी आ जाती है ट्रेन और अब हम इस पर बैठेंगे और चलेंगे अपने प्रयागराज हॉस्टल की साइड। ये रहा हमारा मिर्ज़ापुर, अब पता नहीं रिटर्न कब हम लोग आएंगे। ये देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, ज़्यादा तो नहीं है बट काफ़ी है। ये हमारा छोटा सा मिर्ज़ापुर स्टेशन है। स्टेशन से कुछ दूर चलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बेहतरीन और बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल सकता है, जहाँ पे दूर दूर तक गेहूँ की फसल और अरहर की फसल है और दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। देख सकते हैं ये बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे कितनी शांति है। काश यहाँ पे घर बनवा के रहो और एकदम शांति में, कोई न शोर शराबा न शोरगुल। और गाइस हमें खिड़की पास बैठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें बाहर की कुछ नज़ारे और एक्टिविटी देखने की मिलती है जिससे हमें तरह तरह की सीख मिलती है। और ख़ासकर अगर आप खिड़की तरफ बैठे हैं और कान में ईयरफोन लगा हो और सदाबहार गाने चलते हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब गाइस हम लोग जाया जा रहा है, होली छुट्टी बीत गई है, अब आया जाएगा फिर दिवाली पर या कुछ कोई मौका पड़ेगा तब आया जाएगा। ये देख सकते हैं हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे जो सो रहे हैं और वहाँ पे चलेंगे पढ़ाई करने के लिए। सब लोग जा रहे हैं अपने फैमिली को घर पे छोड़ के, सब लोग पढ़ाई करने के लिए अपने गांव देश को छोड़ के जा रहे हैं। भगवान करे सबको मंजिल मिल जाए। गाइस हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज, यहाँ पे देख सकते हैं प्रयागराज की कुछ सड़कें और गलियाँ हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे झोपड़ी लगी हुई है। फाइनली हम लोग की ट्रेन जंक्शन पर आ चली है, अब बस रुकने की देरी है। फाइनली हम लोग की ट्रेन अब रुक गई है, अब हम लोग उतर चुके हैं यहाँ पे और जाएंगे अपने अपने रूम पे। ये लोग जाएंगे इस साइड सिविल लाइन साइड और हम लोग जाएंगे झलवा अपने कॉलेज की साइड। फिर गाइस हम इनसे विदा लेके अपने इस साइड चल लेते हैं और वो लोग चल लेते हैं अपने सिविल लाइन साइड। धूप में हालत ख़राब हो गई है, देख सकते हैं पसीना पसीना पूरा हो गया है और बाल सा बिगड़ गया है। फिर मैं ऑटो करके अपने हॉस्टल के साइड निकल लेता हूँ। कुछ देर चलने के बाद हम आ जाते हैं अपने झलवा चौराहे पे, यहाँ से हमें मिल जाती है अपने कॉलेज की बस और हम बस पर बैठ के अपने रूम के साइड निकल लेते हैं। बस मिल जाने से मेरा ऑटो का किराया बच जाता है जो होता है 10 रुपये। फाइनली अपने रूम पे आ जाता हूँ, ये देख सकते हैं मेरा रूम है। यहाँ पे अभी केवल मैं ही आया हूँ और एक आप लोग पहले से आए हुए हैं और सब अभी होली ही मना रहे हैं। गाइस ये रहा मेरा रूम और देख सकते हैं लाइट वाइट हम लोग बंद करके गए थे, तो इसको लाइट को ऑन करते हैं। ये देख सकते हैं मेरा रूम कितना क्लीन और नीट है।
तो गाइस फाइनली रूम पे आ चुके हैं और बहुत थक गए हैं, आराम करने की ज़रूरत है। अभी चलेंगे आराम करने, तो वीडियो कंप्लीट कर लें। गाइस बहुत दिन हो गया था घर पे रहे हुए, 10 दिन से ज़्यादा हो गया था। मम्मी की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं पहले चला गया था। इतना दिन रहे गाँव पे इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लगाव हो गया लोगों से और वहाँ के दोस्तों से, घुल मिल गया था फिर से पहले जैसा, इसलिए थोड़ा आने में मन नहीं लग रहा था। यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और रास्ते में उदासी चेहरा थी। इसलिए गाइस गांव पे मैं जाता हूँ, 1-2 दिन के लिए जाता हूँ और लोगों से इतना बातचीत नहीं करता कि उनसे लगाव हो जाएगा फिर यहाँ आने में तकलीफ़ होती है। इस बार थोड़ा ज़्यादा रह ली थी इसलिए उन लोग से कनेक्टेड ज़्यादा हो गए थे, इसलिए थोड़ी मन नहीं लग रहा है। यहाँ रहो तो यहाँ दोस्तों से कनेक्शन रहता है और वहाँ के दोस्तों से कनेक्शन कट जाता है, थोड़ी बहुत कनेक्शन रहती है। और वहाँ रहो गांव में रहो तो यहाँ के दोस्तों से कनेक्शन कट जाता है और थोड़ी बहुत रहती है। ये ज़िंदगी है साहब, यहाँ रोटेशन चलता रहता है और कोई ना मैनेज करना पड़ता है। अब यहाँ के दोस्तों चल रहे हैं, सबको कॉल करेंगे, शाम को मिला जाएगा, सब्जी उब्जी लाया जाएगा। अभी तो सब लोग आए नहीं हैं बट जितने लोग आए हैं थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं, इसलिए पहले आ गए 1 दिन पहले, क्योंकि प्रोजेक्ट मिला है कॉलेज से, उसको बनाना भी है और थोड़ा पढ़ाई भी लिखाई भी करनी है, इसलिए हम पहले चले आए। तो गाइस हमारी ब्लॉग होती है यहीं पे ख़त्म, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।